जैसा कि मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था कि एक ऐसा एम सी क्यू वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपका मीन, मोड और मीडियम तीनों के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो फाइनली वो वीडियो आ चुका है और अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अपन लोग चैप्टर जो अपना मीन है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेन चैप्टर है उसका एक एमसीक्यू वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं और मीडियन और मूड का भी एक एम की वीडियो कर चुके हैं अगर आपने नहीं करा है तो मैं आई बटन में उन दोनों का लिंक दे दूंगी उन दोनों को ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि वो दोनों वीडियोस और इस वीडियो के क्वेश्चन बिल्कुल अलग है ये आपको एक वन शॉट रिवीजन कराएगा बेसिकली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो दस नंबर की आपकी आने वाली है इस बार एग्जाम्स में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए उससे पहले एक और बात फ्रेंड्स अगर आप लोग इस चैप्टर को डिटेल में भी पढ़ना चाहते हैं जो कि पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं एग्ज़ाम में तो आपको क्या करना होगा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है स्टैटिस्टिक्स की और माइक्रो इकोनॉमिक्स की वह आपको पूरा कंटेंट सिंपल लैंग्वेज में और शॉर्ट वीडियोस में अवेलेबल हो जाएगा और अगर आप सिर्फ एम सी देखना चाहते हैं स्टैटिस्टिक्स के और माइक्रो के मेरे चैनल से तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको यहाँ पर भी उसकी भी टर्म वन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास इलेवन करके और टर्म वन स्टैटिस्टिक्स क्लास इलेवन करके जरूर विजिट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में और बहुत अमेजिंग तरीके से एम क्रैक करते हैं अपन लोग अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। सेंट्रल वैल्यू और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज इज नोन एज़ ये बोल रहा है कि एक सेंट्रल वैल्यू एक सीरीज़ है उसकी सेंट्रल वैल्यू और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो रिप्रेजेंट करती है उसको अपन क्या कहते हैं मीडियन वैल्यू कहते हैं एवरेज वैल्यू कहते हैं मोड वैल्यू कहते हैं या नन ऑफ टीज जो भी सेंट्रल वैल्यू और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू एक सीरीज़ के डिफाइन करती है उसको अपन कहते हैं एवरेज वैल्यू इसमें कॉमन क्वेश्चन है तो आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि मीन है मीडियन का या मोड का है, पहले वाले में तो आप कर लेते थे सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है ये ध्यान से देखना विच मैथड इज अडोप्टेड वेन डी डी क्या होता है डी मतलब डेविएशन ये बोल रहे हैं कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाता है जब डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन हैव कॉमन फैक्टर अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा कि अपन एक चीज़ निकालते हैं डी इसको कहते हैं अपन डेविएशन इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एक्स माइनस ए ए क्या होता है अपना अज्यूम मीन्स एक्स क्या होता है अपन को दे रखा होता है तो ये बोल रहा है जब डेविएशन फ्रॉम एज्यूमिंग में कोई कॉमन फैक्टर है तो अपन कौन सा मेथड यूज़ करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड स्टेप डेविएशन मेथड या नन ऑफ ऑफिस जब भी अपन के डेविएशन फ्रॉम अज्यूमिंग में या ये क्या डेविएशन में कॉमन फैक्टर आ रहा है तो उस क्वेश्चन को अपन सिंप्लीफाई करने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करते हैं तो इसका अपना आंसर आ गया सी स्टेप डेविएशन का लोगो क्या होता है ये होता है डी और एक छोटा सा ऐसे ये छोटा सा टेक होता है ये होता है स्टेप डेवेशन का लोगो और डेवेशन का लोगो होता है सिंपल सा डी थर्ड क्वेश्चन आ जाता है इफ़ ईच आइटम ऑफ सीरीज़ नीचे की तरफ है मतलब अगर हर आइटम सीरीज का डिक्रीज होता है कुछ कॉन्स्टेंट से तब मीन में क्या चेंज आएगा डैश है ना मतलब इन द ब्लैंक के फॉर्म में मैंने एम सी क्यू लिया रखा है एक सीरीज़ है उसमें क्या हुआ है कि उस सीरीज का हर आइटम को कम किया गया है एक फिक्स कॉन्स्टेंट से एक फिक्स नंबर से तब मीन में क्या चेंज आएगा तब मीन इंक्रीज़ हो जाएगा मीन में कोई चेंज नहीं आएगा या मीन में डिक्रीज़ हो जाएगा या नन ऑफ नॉक्रीज देखिए कई बार अपन लोगों को लगता है कि कोई सिंपल क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछने वाले हैं नहीं तो इससे भी कन्फ्यूजन डालता है एग्जामिनेशन एग्जामिनर्स जब भी अपन के एक सीरीज़ के सारे आइटम को डिक्रीज़ किया जाता है एक कॉन्स्टेंट से तो मीन भी डिक्रीज़ होगा उसी कॉन्स्टेंट से तो इसका आंसर आ गया अपना सी फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है वे फॉर्मूला ऑफ वेटेड एवरेज इज इससे आप में फॉर्मूला पूछेंगे और कई बार क्या कर सकते हैं कि आपको फॉर्मूला आपको क्वेश्चन दे दिया है कि आपका वेटेड एवरेज कैलकुलेट करो नुमैरिकल के फॉर्म में तो वो भी पता होना चाहिए फॉर्मूला आएगा तो वो ईजली क्रैक ही कर लोगे वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या है सम ऑफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू इंटू एक्स सम ऑफ एक्स अपॉन डब्ल्यू इंटू एक्स सम ऑफ डब्ल्यू एक्स अपॉन सम ऑफ डब्ल्यू ये ऑफ दीज अब ध्यान देना मैंने इसमें थोड़ा सा ट्रिक करा है ये दोनों और ये दोनों सिमिलर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस और यही गेम होता है सारा वेटेड एवरेज का जो फॉर्मूला है वो है सम ऑफ डब्ल्यू इंटू एक्स अपॉन सम ऑफ डब्ल्यू अपन लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी में याद तो कर लेते हैं कि वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या है सम ऑफ़ डब्ल्यू सम ऑफ डब्ल्यू एक्स अपॉन डब्ल्यू अब एग्जाम में आ गया इस तरीके से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गेम है सारा सारा ये ऊपर इसमें डब्लू आ रहा है इसमें नीचे आ रहा है उसमें जो डब्ल्यू एक्स नीचे आ रहा है उसमें ऊपर आ रहा है तो वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है डब्लू एक्स अपॉन डब्लू अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं एक नुमारिकल का अपन को दे रखा है मीडियन है 280 मीन दे रखा है 310 और मोड फाइंड करना है आपको तो पता है ना एम किसका लोग है मीडियन का एक्सपार किसका लोग है मीन का और जेड किसका लोग है मोड का एक रिलेशनशिप मैंने बताया था पिछले वाली वीडियो में अगर आप लोगों ने देख रखा होगा नहीं देखा है तो कोई बात नहीं मोड निकालने का एक फॉर्मूला है अपने पास वो फॉर्मूला क्या है जेड इक्व टू थ्री एम माइनस टू मीन मतलब थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन सिंपल सा वैल्यूज को पुट करने और कुछ नहीं ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए देखिए z निकालने का अपना फॉर्मूला क्या है थ्री इंटू एम अपने पास m कितना है टू एट्टी मतलब थ्री इंटू टू एट्टी कर दूंगी मैं माइनस टू इंटू मीन मीन कितना है तीन सौ दस इधर मैंने लिख दिया तीन सौ दस इसको सिंपल सा सॉल्व किया तो कितना आया है थ्री ज़ीरो जीरो आठ सौ चालीस माइनस छः सौ बीस आया सिंपल सा मैक्स किया और कुछ नहीं किया आगे सॉल्व किया तो ये कितना है 840 में से 620 माइनस किया तो आएगा 220 तो इसका आंसर क्या होगा मोड इसमें होगा 220 ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन आ जाता है क्वार्टर इज अ टाइप ऑफ क्वार्टर क्या है मैथमेटिकल एवरेज है पार्टीशन वैल्यू है स्टैटिस्टिकल एवरेज है या नन ऑफ नौतीस देखिए क्वार्टर डिसाइल और परसेंटल ये तीनों क्या चीज़ है पार्टीशन वैल्यू है तो इसका अपना आंसर क्या आ गया बी सेवेंथ क्वेश्चन आ जाता है विच इज़ बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये बोल रहा है कि मीडियम मोड और मीन इन तीनों में से वो कौन है जो सारे डिस्ट्रीब्यूशन के सारे आइटम से कनेक्टेड है या ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन के सारे आइटम से बेस्ड है देखिए मीन जो है ना मीन वो एक सीरीज के एक डिस्ट्रीब्यूशन के सारे आइटम से कनेक्टेड होता है तो इसका अपना आंसर आ गया सेम फ्रेंड्स अगर आपको बी एस टी की भी मेरी वीडियोज चाहिए तो मेरे बिजनेस स्टडीज़ के चैनल को परिधि बिजनेस स्टडीज़ है चैनल का नाम उसको विजिट कर लीजिएगा वहाँ पे आपको अपना जो टर्म वन का पूरा सिलेबस मिल जाएगा सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे साथ ही वहाँ पे आपको टर्म वन की एम सीरीज़ भी मिल जाएगी आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि प्लीज एक बार उसको विज़िट जरूर कीजिएगा साथ ही फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिस्टर का आपकी दीदी का चैनल आगे ग्रो करे तो मुझे सपोर्ट करना चैनल को शेयर करके एट क्वेश्चन पे आते हैं अपन विच इज़ फ्री फ्रॉम इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ आपको एक सीरीज मिली उसमें एक्सट्रीम वैल्यूज है तो इनमें से कौन सा है मीन है मीडियम है या मोड है जिसको एक्सट्रीम वैल्यूज होने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो एक्सट्रीम वैल्यूज में भी ईजिली मूव ऑन कर लेता है एक्सट्रीम वैल्यूज़ के एक्सट्रीम वैल्यूज के इफेक्ट से जो फ्री है वो कौन है मीडियम तो इसका अपना आंसर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन आर देयर कितने तरह के अर्थमेटिक मीन होते हैं एक दो तीन चार देखिए बेसिकली दो तरह के अर्थमैटिक मीन होते हैं और वो दो तरह के कौन से अर्थोमैटिक मीन होते हैं पहला अर्थोमेटिक मीन होता है सिंपल अर्थमैटिक मीन और दूसरा अर्थोमेटिक मीन होता है वेटेड अर्थमैटिक मीन तो इसका अपना आंसर क्या आ गया टू विच हेल्प्स इन फॉर्मलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन से मीन मीडियन मोड एवरेजिस कौन हेल्प करता है इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉर्म करने में मीडियन हेल्प करता है मोड हेल्प करता है एवरेजिज़ एवरेज क्या होते हैं एवरेज मतलब मीन मीन मतलब अर्थमैटिक मीन या नॉन ऑल दीज इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाने में इकोनॉमिक पॉलिसीज को क्रिएट करने में इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में जो हेल्प करता है वो करता है एवरेजेस मतलब कि मीन इलेवन क्वेश्चन ध्यान से देखना है ये समझने का है सम ऑफ डिवेशन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू डेविएशन क्या होता है मैंने आपको बताया था पहले भी डी होता है डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन एक्स माइनस ए ठीक है अभी बोल रहे हैं सम ऑफ़ डेवियशंस इन इस डेवियशंस का सम अपन ने देखा होगा अपने चैप्टर पढ़ लिया होगा तो डेवियशंस जब अपन निकालते हैं तो इस तरह के फिगर्स आते हैं कुछ माइनस ट्वेंटी माइनस टेन ज़ीरो टेन ट्वेंटी इस तरीके सिमिलर फिगर आते हैं क्योंकि डेविएशन में अपन अज्यूम मीन को माइनस करते हैं चैप्टर पढ़ लेना सब समझ में आ जाएगा और पढ़ लिया तो आप इजिली कनेक्ट कर पा रहे होगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ इस तरीके से सेम नंबर्स आते हैं जैसे माइनस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी माइनस टेन प्लस टेन इस तरीके के, के नंबर्स के इन टोटल का सम क्या होगा इन टोटल को ऐड करने के बाद क्या आएगा ऑब्वियसली जब माइनस ट्वेंटी और प्लस ट्वेंटी ऐड होगा तो जीरो आएगा माइनस टेन और प्लस टेन ऐड होगा तो जीरो आएगा तो जब भी अपन डेविएशंस के सम को प्लस करते हैं तब मीन हमेशा इक्वल्स टू तो जीरो होता है मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कैसे होता है अब फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं पॉइंट वे आर लेस देन ओ गिव एंड मोर देन ओ गिव इंटरसेक्ट ईच अदर डिटरमाइंस एक पॉइंट है जहाँ पे लेस देन हो गया और मोर देन हो गया दोनों एक दूसरे से कट रहे एक दूसरे से टकरा रहे एक दूसरे से क्रॉस में आ रहे हैं तो अपन का क्या डिटरमाइन होता है ये क्या है अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक मीन डिटरमाइन होता है मोर डिटरमाइन होता है मीडियम डिटरमाइन होता है या नन ऑफ नवतीस मैंने इस बार लोगों से करा है जिससे आपको थोड़ा सा अलग भी इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आए तो आप पीजिली क्रैक कर सको जब भी लेस देन हो गए और मोर देन हो गए एक दूसरे से कटेंगे तो हमेशा अपना मीडियम डिटरमाइन होगा मीडियम आंसर आएगा आज के लिए इतना ही थैंक यू